we have read adjective and we have heard we have known three degrees of adjective good better best Tulanatma. we have also read verb and we understood three types of verb not types i would say rather three stages of verb go went, गॉन वो भी तीन है डिग्री भी तीन है एडजेक्टिव में क्रिया विशेषण में भी कुछ ऐसा ही है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये तीन क्या है तीन एडजेक्टिव भी होते हैं गुड बेटर बेस्ट टॉल तौल, टॉलर टॉलेस्ट लेकिन इसके साथ ही क्रिया में भी तीन होते हैं गो वेंट गॉन रन रैन रन ये क्रिया हुई अब एडवर्ब में भी तीन ही स्टेज हैं तीन श्रेणियां हैं कंपेरिजन ऑफ एडवर्ब देर आर सर्टन एडवर्ब विच आर यूज ऑन कंपेरिजन जिनकी तुलनात्मक अवस्थाएं विशेषणों की तरह ही होती हैं विशेषण की तरह कुछ क्रिया विशेषण की तीन तुलनात्मक अवस्थाएं क्रिया विशेषणों की तुलना की के रूप में उपयोग की जाती हैं क्रिया विशेषण की तरह उदाहरण के लिए जो सिंगल सिलेबल वर्ड इफ यू लुक एट द वीडियो दैट शोज अबाउट एडजेक्टिव आई हैव टॉक अबाउट सिलेबल तो जो एक सिलेबल वाले शब्द हैं या एक अक्षर वाले जो क्रिया विशेषण को मूलावस्था में उत्तरावस्था के लिए ई आर और उत्तमावस्था के लिए ई एस टी जोड़ देते हैं मैं फिर तो दोहरा दूं वही डेफिनेशन जो विशेषण के लिए उपयोग किए मूल अवस्था में ई ER आर जोड़ दीजिए और उत्तमावस्था में ई एस टी जोड़ दीजिए यदि उनकी आपको डिग्री बदलनी है तो क्रिया विशेषण में भी कई क्रिया विशेषण ऐसे हैं उदाहरण के लिए फास्ट फास्टर फास्टेस्ट हार्ड हार्डर हार्डेस्ट सॉफ्ट सॉफ्टर सॉफ्टेस्ट दिस इज एज एंड वेन यू यूज दीज वर्ड्स एज एडवर्ब ये तो हो गया एक सिलेबल वाला एक शब्द वाला उदाहरण अब देखिए एल वाई एल वाई से जो क्रिया विशेषण समाप्त होता है उसमें अधिकतर मोर और मोस्ट लगाते हैं एल वाई से अंत होने वाले क्रिया विशेषण से पहले मोर और मोस्ट मोर उत्तरावस्था में और मोस्ट उत्तमावस्था में पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव अंग्रेजी में यदि कहें तो मोर जो है वो कंपैरेटिव में आएगा और मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव में आएगा कब कैसे शब्दों में ऐसे एडवर्ब सच एडवर्ब विच नॉर्मली एंड अप विथ एल वाई नॉर्मली एंड अप विथ एल वाई नॉट एज ए लॉ फॉर एग्जाम्पल स्विफ्ट स्विफ्ट स्विफ्टली स्विफ्टली तो यहाँ पर होगा स्विफ्टली मोर स्विफ्टली मोस्ट स्विफ्टली स्किलफुली मोर स्किलफुली मोस्ट स्किलफुली बहुत कौशल से सबसे अच्छे कौशल से ज्यादा कौशल थे सबसे अच्छे कौशल थे अब्दुल प्लेड स्किलफुली <coughs> अब्दुल प्लेड मोर स्किलफुली एंड श्याम प्लेड मोस्ट स्किलफुली आई रिपीट अगेन अब्दुल प्लेड स्किलफुली और फिर इसके बाद दूसरे में हम बोलते हैं करीम प्लेड स्किलफुली नॉट अब्दुल करीम प्लेड मोर स्किलफुली एंड श्याम प्लेड मोस्ट स्किलफुली सबसे ज्यादा तो देखिए एल वाई के साथ अंत होने वाले अधिकतर एडवर्ब उसमें हम मोर और मोस्ट लगाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में लेकिन एक ध्यान दे दीजिए अर्ली मोर अर्ली और मोस्ट अर्ली नहीं होता अर्ली अर्लियर अर्लीएस्ट पहले उससे पहले सबसे पहले पहले उससे पहले सबसे पहले यहां पे एल वाई से कंफ्यूज मत होइएगा ये एल वाई जो लगा है ये किसी शब्द के साथ नहीं लगा है अब ये मत कहिएगा कि ईयर के साथ लगा है ईयर का अर्थ तो कान होता है कान के साथ लगा नहीं है ये एल वाई ये तो स्वयं में एक अलग शब्द ही है अर्ली यानी पहले लेकिन जो पहले मैंने उदाहरण दिए उसमें स्किलफुली स्किलफुल skillful एक शब्द है उसमें एल वाई लगाया स्विफ्ट एक शब्द है उसमें एल वाई लगाया तो यहां पर अर्ली अर्लियर और अर्लीस्ट है डोंट राइट अर्ली मोर अर्ली एंड मोस्ट अर्ली नो रॉन्ग आई केम अर्ली इन द मॉर्निंग ही केम अर्लियर देन मी एंड राम केम द अर्एस्ट राम केम अर्लिएस्ट राम केम अर्लिएस्ट राइट नेक्स्ट ये देखा जाएगा कि जो मैनर है या डिग्री है इनकी भी तुलना होती है लेकिन बहुत से क्रिया विशेषणों में तुलना नहीं कर सकते अभी जैसे हमने तुलना की क्रिया विशेषणों में कई क्रिया विशेषणों में अभी तुलना की कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जाना लेकिन और ये भी जाना कि एक सिलेबल में कैसे होता है और यदि एल वाई लगता है तो कैसे डिग्री बदल बदलती है लेकिन कई ऐसे शब्द हैं जो एडवर्ब तो हैं लेकिन उसमें डिग्री लग ही नहीं सकती जैसे मैं बोलता हूँ नाउ अभी तो और अभी और सबसे अभी ऐसा तो हो नहीं सकता सो तो नाउ का कोई डिग्री नहीं है ऐसी देन का भी कोई डिग्री नहीं है वेयर का कोई डिग्री नहीं वेयर कहाँ? फिर उससे ऊपर की डिग्री और कहाँ? और उससे ऊपर की डिग्री क्या? कहां मतलब कहाँ? उसमें कोई डिग्री नहीं होगी कोई तुलना नहीं हो सकती राइट तो देर आर वर्ड विच हैव नो देर आर एड वर्ग विच हैव नो कंपेरिजन नो डिग्रीज

most, little, less, least, little, less, least ये सब क्या हैं दे आर क्रिया विशेषण दे आर एडवर्ब की उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप में इरेग्यूलर हैं ये इरेगुलर एडवर्ब्स हैं आपको याद होगा मैंने एडजेक्टिव पढ़ाते समय भी ये बताया था कि इरेगुलर हैं क्यों क्योंकि इनके तीनों शब्द अलग अलग हैं तीनों ही शब्द अलग हैं स्पेलिंग अलग है ये ऐसा नहीं है स्के स्विफ्ट स्विफ्टली या स्विफ्ट नो ये तीनों ही शब्द अलग है मच फिर मोर फिर मोस्ट लिटल फिर लेस फिर लीस्ट तो दे आर कॉल्ड इरेग्यूलर एडवर्ब्स लेट लेटर लास्ट इरेग्यूलर अगेन लेट आई केम लेट You came later and she came last. Was Right? Rama writes well, Arjun writes better than Ram, and Hari writes best of all. You can understand this difference. Do you work much? I work more, and Hari works most.

प्रकार और रूप थोड़ा अंतर है दोनों में वो हमने जाना अब हम देखें कि बनाते कैसे हैं शब्दों से कैसे बनाते हैं उसके कुछ स्टैंडर्ड नियम तो नहीं है लेकिन हाँ दे आर बींग फॉलोड मोस्टली एंड दे कवर मोस्ट ऑफ आर डाउट्स जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर है इस एडवर्ब ऑफ मैनर में एल वाई लगा दीजिए अधिकतर जैसे लाइक like, लाइकली लाइक लाइकली क्लेवर क्लेवरली वाइज वाइजली काइंड काइंडली तो मैनर जो है एडवर्व ऑफ मैनर यदि आप समझ गए कि एडवर्व ऑफ मैनर है तो उसको आप उसमें एल वाई लगा दीजिए राइट नेक्स्ट इज अकबर आई मीन उदाहरण देख लीजिए अकबर वॉज वाइस किंग एडजेक्टिव है एडजेक्टिव में आपने एल वाई लगाया तो एडवर्ब बन गया सो मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मोस्ट ऑफ द एड्जेक्टिव कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू एडवर्ब बायिंग एल वाई टू इट अकबर वॉज वाइस किंग अकबर रूल्ड वाइजली अकबर वॉज अ वाइस किंग अकबर रूल्ड वाइजली बुद्धिमत्ता के साथ शासन किया कैसा शासन किया बुद्धिमत्ता के साथ राइट right? सो so, ये वाइजली लेकिन जब विशेषण के अंत में वाई हो और वाई से पहले व्यंजन हो अब देख लीजिए विशेषण से पहले विशेषण में अंत में यदि वाई हो और उससे पहले व्यंजन हो तो वाई को आई में बदल दो और एल वाई जोड़ दो वाई को आई में बदल के एल वाई जोड़ दीजिए मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ वन वन एग्जाम्पल विल बी इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड हैप्पी हैप्पी में आखिरी में वाई है उसके पहले वॉवेल है and वाई इज एट by एंड इट इज vowel, then remove दैट vowel, पुट आई एंड एड एल वाई So, happy, happily. Ready, readily, heavy, रेडी you remove why? And uh, व्यंजन को आपको हटाना है वॉवेल नहीं सॉरी यहाँ पे एक करेक्शन है व्यंजन नहीं आई I मीन mean, आपको uh, वॉवेल को नहीं हटाना है आपको व्यंजन को हटाना है सब व्यंजन के उदाहरण हैं। हैप्पी पी वाई पी व्यंजन है, है वॉवेल नहीं है कॉन्सोनेंट है इट इज़ नॉट वॉवल इट इज़ कॉन्सोनेट ऐसी जब गलतियाँ होती हैं जो बोलते बोलते हो गई अभी जैसे मैंने कॉन्सोनेट के बदले वॉवेल कह दिया और उसी लय में बढ़ने लगा ऐसी गलतियों को क्या हैं स्लिप ऑफ द टंग इट इज़ नॉट एन इंटेंशनल मिस्टेक ये गलती जानबूझ के नहीं की गई है बोलते बोलते में गलत हो गया जिसको सुधार लिया गया तुरंत अनइंटेंशनल मिस्टेक तो उसको क्या कहते हैं स्लिप ऑफ द टंग ट जीब स्लिप मैंने फिसलना जीब का फिसलना सो द सेंटेंस इज इट वॉज जस्ट द स्लिप ऑफ द टंग आई करेक्ट माई सेल्फ इट इज नॉट वॉवल बट कॉन्सोलेंट सो इफ देर इज ए लेटर एट द एंड ऑफ एन एड्जेक्टिव वाई एंड Y is preceded by a consonant not by vowel. Then remove Y, put I and L Y. So appily, foolish foolishly, quick, quickly, clever cleverly. Am I clear to you? manner manners hai, manners adjective of manners. Becomes adverb of manner. Next is uh, so happy, happily, ready, readily, heavy, heavily, and the previous one was clever, cleverly, wise, wisely, kind, kindly. Uh, kuch jo, kuch kriya संज्ञा और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव से मिलकर बनते हैं मैं पुनः दोहरा दूं कुछ क्रिया विशेषण सम एडवर्ब्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन एंड क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। क्वालिफाइंग एडजेक्टिव कैसे समाइम्स कभी कभी आता है समटाइम्स जो क्या है क्रिया विशेषण है और नाउन क्या है टाइम और सम मीन मीन टाइम टाइम और सम डे और यस्टर यस्टर डे एडवर्ब बन गया मिड वे वे और मिड क्वालिफाइंग एडजेक्टिव जो विशेषक विशेषण है विशेषक विशेषण सो दिस इज हाउ अगेन वी कैन मेक सम एडवर्ब सम सम्स ऑन को हटाकर हम कुछ और उसका उपयोग कर देते हैं ए लगा देते हैं ही वॉकड ऑन फूट ऑन को हम हटा देते हैं और उसके बदले ए लगा ही वॉकड ए फूट पैर के बल चला तो ए फूट अब क्या हो गया एडवर्ब ऑन फूट में एडवर्ब क्या था नहीं था ही वॉकड ऑन फूट पैदल पैर में चला। संज्ञा हो गया अब उसको हमको एडवर्ब बनाना है तो ऑन को हटा दें ए लगा दें तो so, ए फूट ए स्लीप आई एम फास्ट ए स्लीप ए हेड अवे वे ए लगाया अवे स्लीप ए लगाया ए स्लीप तो दिस इज हाउ वी कैन ऑल्सो यूज दिस वर्ड बाय रिमूविंग ऑन कुछ क्रिया विशेषण ऑन और संज्ञा के संयुक्त रूप होते हैं उसमें हम उसको ए लगा दें कुछ क्रिया विशेषण संबंध बोधक और विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं संबंध बोधक और विशेषण प्रिपोजिशन और adjective फॉर एग्जाम्पल एब्रॉड एलोंग बिहाइंड बी दोनों रूप में इसका उपयोग होता नेक्स्ट इज संबंध बोधक और किसी क्रिया विशेषण के संयुक्त रूप पहले जो मैंने बताया था संबंध बोधक और विशेषण अब संबंध बोधक और क्रिया विशेषण के संयुक्त रूप होते जैसे विद इन विथ इन विद इन विद आउट बी फोर तो इसमें देखिए क्रिया विशेषण संबंध बोधक है और उसके साथ ही क्रिया विशेषण भी है इन दोनों को मिलाकर क्रिया विशेषण एडवर्ब हम बनाए हैं क्रिया विशेषणों का एक वर्ग ऐसा भी है जिसमें द लगा दें द लगाने से द ही हु सर्वनाम से बनते हैं जैसे द से क्या बनता है देयर प्लेस बताता है प्लेस बता रहा है ही से क्या बन रहा है हीयर एच ई आर ई हेयर राइट ऐसे मैनर यदि द से बनता है दस मैनर बता रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर और आई मीन यू यू हैव लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस लॉट ऑफ वेज टू मेक एडवर्ब आउट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स There are no standard rules. Not that all words ending with LY will be adverb. No. There are few words which end up with LY, but they are not adverbs. There are. So, what I am trying to say is that these are just general, broad guidelines for your information. But then, understanding of these will definitely help you in understanding adverb. फॉर्मेशन बेटर हाउ टू मेक एडवर्ब्स अब देखिए ऊपर जो मैंने आपको बताया कि ही से कैसे हियर और ऐसे हु से जो बनता है हाउ वेयर ये एडवर्ब बनते हैं अब इनसे बहुत से संबंध सूचक के साथ जुड़ जाते हैं बहुत से क्रिया विशेषणों में संबंध बोधक के साथ इसको कैसे जोड़ दें उदाहरण के लिए देयर बाई

हैंड्स फोर्थ आई विल नॉट डू मिशिप हैंज फोर्थ आई विल नॉट डू एनी मिशिप राइट तो क्रिया विशेषणों में से बहुत से संबंध बोधक के साथ हम उसको जोड़ दिए जो ऊपर मैंने बताया था तो देखिए सारे नए शब्द तैयार हो गए दे बिकम एडवाल्व कभी कभी हम एंड समुचा बोधक से जोड़ कर दो क्रिया विशेषणों के साथ जोड़ देते हैं कभी कभी एंड को ए एंड डी एंड को जो समुच्चा बोधक से जोड़कर उसे क्रिया विशेषण के साथ उसका उपयोग कर लेते हैं जैसे अगेन एंड अगेन बार बार टाइम एंड अगेन बारम बार बाय एंड बाय बाय एंड बाय टेल मी द ट्रूथ अरे थोड़ा बता दो यार बाय एंड बाय फार एंड नियर पीपल केम फ्रॉम फार एंड नियर तो एंड लगा दिया हमने फार में और नियर के बीच में तो एक एडवर्ब बन गया फिर उसके बाद फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू मस्ट बिहेव प्रॉपरली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब क्या होगा सबसे पहले तुम ठीक से व्यवहार करो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड बी डिसिप्लिनड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड लीड ए रेगुलर लाइफ फॉर गुड हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले जरूरी है ऐसे ही नाउ एंड देन नाउ एंड अगेन एंड अगेन ओवर एंड अब ओवर एंड अब आई एल गिव यू टेन रुपीज इसके ऊपर मैं तुमको दस रुपए और दूंगा पांच सौ रुपये में तुमसे बात हुई है इसके ऊपर मैं तुमको दस रुपए और दूंगा आप करना है काम तो करो i'll give you 5 i'll give you 10 rupees over and above this amount if you want to work right to and fro to and fro aage piche to and fro matlab, backward and forward aage piche, ya, upar and niche to and fro so these are again some words or made adverbs by using and क्रिया विशेषणों में ही एंड जोड़ दिया एंड जो है उसको यूज करते हुए क्रिया विशेषणों के साथ साथ उपयोग कर लिया नाउ एंड देन फार एंड अवे फार एंड वाइड फार एंड नियर एंड सो ऑन सो फॉर कुछ इंटरेस्टिंग उपयोग हम देखें एंड का दिस इज फार एंड अवे द बेस्ट कोर्स This is far and away the best school. You are far and away the best captain. Far and away का क्या अर्थ हुआ जितने लोग हैं जितने उपलब्ध हैं जो कुछ उपलब्ध है उसमें तुम सबसे अच्छे कप्तान हो जितनी किताबें हैं जितना कोर्स है जितने लोग हैं उसमें जितने के लिए फार एन अवे फार एन अवे दिस इज द ही इज द बेस्ट बॉलर जितने बॉलर हैं उसमें भुवनेश्वर इज द बेस्ट बॉलर फार एन अवे एवरी नाउ एंड देन ही आस फॉर फूड एवरी नाउ एंड देन ही आस फॉर फूड जब तब इसका अनुवाद क्या होगा जब तब एवरी नाउ एंड देन जब तब वह भोजन मांगता रहता है ऑफ एंड ऑन वी मीट ऑफ एंड ऑन ही वर्क टेन ईयर्स ऑफ एंड ऑन ही वर्कड टेन ईयर्स ऑफ एंड ऑन रुक रुक कर दस साल तक रुक रुक कर लगातार मैंने रुक रुक के काम किया ऑफ एंड ऑन जब मौका मिला तब सो एंड का उपयोग दिस इज आउट एंड आउट दिस इज आउट एंड आउट ए लाई अब आउट एंड आउट को देख लीजिए सरासर सरासर के लिए क्या बोल सकते हैं आउट एंड आउट दिस इज आउट एंड आउट ए लाई ही वॉकड टू एंड फ्रो आगे पीछे चलता रहा ही वॉकड टू एंड फ्रो सो एंड के साथ देखिए कैसे हमने यूज किया है इसको एडजेक्टिव के साथ या एडवर्ब के साथ जोड़ के कैसे इसको एक नया अर्थ दिया है और बिल्कुल नया अर्थ बदल जाता है फार एंड अवे में फार का एक अर्थ है अवे का एक अर्थ है पर फार एंड अवे यदि जोड़ दीजिए तो नया अर्थ निकलता है नाव एंड देन में नाव का एक अर्थ है देन का एक अर्थ है लेकिन नाव एंड देन का दूसरा अर्थ हो जाता है बिल्कुल नया अर्थ हो जाता है सो so, एंड जोड़ के हम बहुत से नए एडवर्ब्स बना सकते हैं दिस इज वॉट इज द मैसेज नाव लेटेस्ट कम टू दैक्स्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग एडवर्ब एंड दैट इज पोजिशनिंग ऑफ एडवर्ब्स इनकी स्थिति क्या होती क्रिया विशेषण कहाँ लगते हैं एक वाक्य बनता है वाक्य रचना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सिंटैक्स एस वाई एन टी ए एस वाक्य रचना हिंदी का एक वाक्य लें राम बहुत अच्छा लड़का है तो जो शब्दों का क्रम है वो सुनिश्चित है लड़का राम अच्छा बहुत है ऐसा नहीं बोल सकते है बहुत राम लड़का अच्छा नहीं बोल सकते एक क्रम है हर वाक्य का एक क्रम होता है उस क्रम को हम बोलते हैं सिंटैक्स अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस शब्दों की स्थिति एक वाक्य में उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं सिंटैक्स एस वाई एन टी एक्स तो जो शब्दों का अरेंजमेंट है इसमें एडवर्ब कहाँ पे आता है एडवर्ब किस जगह पे आता है? तो उसके लिए कुछ कुछ टिप्स हैं मैं कहूँगा कुछ उसके लिए आपको एक इशारे हैं जिसके आधार पर आप एडवर्ब को सही जगह पर रख सकते हैं सिंटैक्स सेंटेंस फॉर्मेशन में फॉर एग्जाम्पल हाउ हाउ प्रश्न का जो उत्तर देता है हाउ पूछा तो उसका जो उत्तर आया तो उस उत्तर को सामान्यतया क्रिया के पश्चात या एक कर्म होने पर उसके बाद रखते हैं क्रिया के पश्चात या कर्म होने पर हाउ के साथ क्या होगा हाउ वेल हाउ फास्ट हाउ क्विकली हाउ केयरफुली ऐसे ही तो पूछेंगे तो यदि पूछा तो जो उत्तर आता है वो उत्तर कहाँ जाता है क्रिया के बाद या एक कर्म के पूरा होने के पश्चात उदाहरण के लिए इट इज रेनिंग हैविली रेनिंग हैविली इट इज रेनिंग हैविली रेनिंग हैविली तो क्रिया के बाद आ रहा द शिप इज गोइंग स्लोली क्रिया के बाद आ रहा है ही डज हिज वर्क केयरफुली क्रिया जो कर्म है वो पूरा हो रहा है ही डज हिज वर्क केयरफुली कर्म पूरा हो गया उसके बाद आ रहा केयरफुली तो दिस इज वन स्टैंडर्ड रूल दैट यू कैन अप्लाई टू प्लेस एन एडवर्ब एट द राइट पोजिशन इन ए सेंटेंस एक वाक्य में सही जगह पर एडवर्क लाने के लिए ये नियम एक बहुत सामान्य नियम है ऐसे ही जैसे हम कहते हैं हियर देयर एवरीवेयर और जैसे उसमें नाउ एंड देन अवे टुडे एक कर्म होने पर उसके बाद रखते हैं ये प्राय क्रिया के पश्चात ये भी और या कर्म होने के बाद ही रहते हैं सो द रूल इज मोर और लेस सेम आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द कर्म इज ओवर द ऑब्जेक्ट इज ओवर ही विल कम हियर आई विल गो देयर आई मेट हिम यस्टरडे मेट हिम कर्म ऑब्जेक्ट क्या है हिम यस्टरडे डे तो नॉर्मली क्रिया के बाद या कर्म के पूरा हो जाने के बाद नेक्स्ट इज जब दो या अधिक क्रिया विशेषण होते हैं तो सामान्य क्रम होता है क्रिया के पश्चात यदि दो या उससे अधिक क्रिया विशेषण हो तो हम कैसे बोलेंगे शी सैंग वेल इन द कंसर्ट सैंग वेल शी सैंग वेल इन द कंसर्ट कंसर्ट मतलब ग्रुप में प्रोग्राम में कार्यक्रम कंसर्ट यानी कार्यक्रम ही स्पोक ही शुड गो देयर टुमोरो इवनिंग ही शुड गो देयर टुमोरो इवनिंग देयर टुमोरो इवनिंग दोनों ही क्रिया विशेषण है तो शुड गो और बाद में सारे क्रिया विशेषण आ गए शुड गो देयर टमोरो दोनों बाद में आ गए ऐसी यदि फ्रीक्वेंसी की बात करें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यदि है तो हाउ ऑफन का जब उत्तर देते हैं हम हाउ क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कितनी बार रिपीटिशन होता है उसमें तो कितनी बार का जो उत्तर देते हैं जिसमें जिसका उत्तर होता है ऑलवेज या नेवर ऑफ़न रेयरली अकेजनली यूजली जनरली और ऑलमोस्ट एवरीडे हार्डली नियरली तो उसमें हम क्या करते हैं क्रिया केवल एक शब्द की होती है यदि क्रिया में एक से अधिक शब्द होते हैं तो पहले शब्द के पश्चात लग जाता यदि क्रिया में एक शब्द जो उदाहरण के लिए ये मैं बात कर रहा हूं सिलेबल के रूप में हिज वाइफ नेवर कुक्स सिंगल सिलेबल कुक्स सिंगल सिलेबल उसमें पहले लग जाते नेवर नेवर सीन एट टाइगर नेवर सीन एट टाइगर आई है टोल्ड हिम सिंगल सिलेबल ऑफन टोल्ड माई अंकल है जस्ट गॉन गॉन सिंगल सिलेबल सिंगल सिलेबल में जो क्रिया है एडवर्ड ऑफ फ्रिक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूँ एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में जो क्रिया है सिंगल से तो वो पहले लग जाएगा क्रिया के पहले

i am never late he is always at home he is always at home is मैं फिर से दोहरा दूँ। यदि क्रिया is was were are है तो क्रिया विशेषण क्रिया के बाद आता है he is always we are just out i am never late देख लीजिए क्या हो रहा है am is are was के बाद तुरंत बाद क्रिया विशेषण आ जाता है हैव टू और यूज टू ये एक एक अलग ढंग के शब्द हैं हैव टू और यूज टू ये सहायक क्रियाएं हैं सहायक क्रियाएं अपने से पहले क्रिया विशेषण का प्रयोग प्रस्तुत करती हैं मैं पुनः दोहरा दूँ सहायक क्रियाएं जो हैं सहायक क्रियाएं अपने से पहले जैसे हैव टू के पहले या यूज uh, टू के पहले आती हैं आई ऑफ़न टू आई ऑफन हैव टू गो ऑफन क्या है क्रिया विशेषण किसके पहले आ रहा हैव टू के पहले आई रेयरली यूज टू ईट रेयरली क्या है एडवर्ब है यूज टू के पहले तो यूज टू और हैव टू उसके पहले क्रिया विशेषण आ जाता है अगला जब कोई क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण को स्पर्श करता है जब कोई क्रिया विशेषण विशेषण को या अन्य क्रिया विशेषण को बताता है तो क्रिया विशेषण उसके उसके पहले आ जाता है राम इज ए राम इज रादर लेजी राम इज ए राधर लेजी बॉय द डॉग वॉज क्वाइट डेड किस चीज का उदाहरण है जब कोई क्रिया विशेषण विशेषण या क्रिया विशेषण को बताता है क्रिया विशेषण मैं एडवर्ब या तो एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को बताता है तो ये जो एडवर्ब है वो उसके पहले आ जाते लेजी बॉय रादर लेजी बॉय क्वाइट डेड द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग डू नॉट स्पीक सो फास्ट फास्ट तेज एडजेक्टिव है सो so फास्ट बहुत तेज तो एडजेक्टिव के पहले आ गया इनफ में क्या होता है यदि इनफ शब्द का उपयोग होता है तो इनफ हमेशा उस शब्द के बाद आता है जिसके लिए उसको इसके लिए जिसके लिए उसका उपयोग किया है इनफ उस शब्द के बाद आते पहले आता है जिसके लिए उसका उपयोग किया जैसे दिस बुक इज बिग इनफ दिस बुक इज बिग इनफ बॉक्स बिग इनफ क्या हुआ यहां पे आप देखेंगे बिग जो है विशेषण पहले आया और एडवर्ब बाद में आया एडजेक्टिव पहले है और एडवर्ब बाद में सिमिलरली ही वॉज रैश इनफ टू टू इंटरप्ट इंटरप्ट इनफ द लास्ट इज ही स्पोक लाउड इनफ क्रिया पहले आ गई इनफ बाद में आया लाउड इनफ दूसरे शब्दों में इनफ उस शब्द के बाद आता है जिसके लिए उसका उपयोग होता है लाउड के लिए इनफ का उपयोग हुआ बिग के लिए इनफ का उपयोग हुआ और रैश इनफ में रैश के लिए उपयोग हुआ तो उसके बाद इनफ आ रहा है अब ओनली को देखिए ओनली शब्द ओनली मतलब केवल इसका उपयोग कहाँ होता है जिसके लिए उसका उपयोग है उसके ठीक पहले जिसके लिए केवल का मैंने केवल दो सवाल किए तो केवल शब्द किसके लिए है दो सवाल के लिए मैंने केवल दो सवाल किया मैं केवल तीन घंटा पढ़ा तो ओनली थ्री आवर्स आई रेड ओनली थ्री आवर्स आई वर्क ओनली टू सम्स तो ओनली उसके पहले जिसके लिए उसका उपयोग हो रहा तो ओनली को और आगे पीछे लगाने की जरूरत नहीं ओनली उसी के पहले आ जाएगा हाँ मौखिक अंग्रेजी में कई बार फिर भी हम ओनली को आगे पीछे कर देते हैं आई ओनली वर्क टू आवर्स लेकिन ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश है लेकिन रिटर्न लिटरेरी इंग्लिश में लिखने के लिए ओनली को कहाँ लगाते हैं ठीक उस शब्द के पहले जिसके लिए ओनली का उपयोग किया है ओनली टू सम केवल दो सवाल मात्र पाँच घंटा केवल या मात्र का अर्थ ही है ओनली नाउ आई गिव यू सम फाइव वर्क टास्क ऑन दिस क्रिया विशेषणों को उनकी सामान्य स्थिति में लगाइए क्रिया विशेषणों को जहाँ लगना चाहिए वहाँ लगाओ कहाँ लगना चाहिए ही इन्वाइटेड मी टू विजिट हिम ही इन्वाइटेड मी टू विजिट हिम और क्रिया विशेषण क्या है इसमें आपको लगाना है ऑफन कहाँ लगेगा और लगाकर इसका उपयोग करें री दैट

इसमें दो एडवर्ब हैं दिस इवनिंग इन द पार्क कहां पे लगेंगे दोनों एडवर्ब द ट्रेन हैज लेफ्ट ब्रैकेट में जस्ट यू हैव टू यूज द वर्ड जस्ट यू हैव टू यूज द एडवर्ब जस्ट एंड राइट इट एट द प्लेस इट एट द राइट प्लेस एंड द लास्ट इज वी शुड कम वी शुड कम एंड द वर्ड्स आर Here, this morning, here, this morning, or one morning, here and one morning. Right? So, this is for practice purpose. You apply your common sense, and the rules which have been told to you earlier are just guidelines, they are not laws. Based on those guidelines, fit these words. And there can be n number of examples, hundreds and hundreds of examples, but there has to be a time limit here. So I am restricting myself to just about 5 6 sentences for you to practice on.